अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आज जा रहा हूँ मैं भूरेवाला से मुल्तान और वाया पावर इंटरनेशनल वाले की बस है, इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं सुबह से वैसे रेडी था, लेकिन सुबह सुबह वाला जो मोटरवे का टाइम था वो निकल गया था। बाकी सारे जाते हैं जीटी रोड से ऑलमोस्ट 4.5 घंटे लगते हैं, और मोटरवे से वही सफ़र जो है वो 3-3.5 घंटे में हो जाता है। बाजू का सुनने में आया कि 2.5-3 घंटे में भी कर देते हैं, तो उसी पे आज जाऊंगा मैं मोटरवे टाइम पे, भूरेवाला टू लाहौर। इसका व्लॉग आप देखेंगे, अड्डा बस का इंतज़ार कर रहे हैं। 9:50 का इन्होंने टाइम दिया था, ऊपर हो गया, आने वाली है बस, शायद इधर से आएगी। आगे देखते हैं, आपको दिखाते हैं सफर में कैसा रहा, सफर कैसा है, क्या नहीं है। दोस्तों बस आ गई मेरी, बस इस पर बैठते हैं, चलिए। लाहौर जाना सिटी टर्मिनल, दोस्तों अभी हम बस में बैठे हैं और ये संधू वालों की बस है, पावर वालों के साथ आ रहे होंगे, और गौतम बस है जाती है, ये हर आधे घंटे के बाद टाइम जा रहा होता है। भावलपुर से लाहौर के लिए आता है और वाया भूरेवाला चौथवा जाता है, व्याड़ी मेलसी भूरेवाला। बस में दाखिल हो चुके हैं और आपको बस को भी दिखाते हैं। अच्छी स्पेशियस बस लगी, ठीक है, मतलब कोई एलसीडी वगैरह नहीं लगी, लेकिन ये कि कंफर्टेबल बस है, कोई इतना मसला नहीं। लेग स्पेस जो है इसकी वो भी ठीक थी, बस की सफाई भी अच्छी थी, और मैं अपनी सीट पे आ चुका हूँ। पहले मैंने चाहा था कि आगे वाली सीट मिल जाए, लेकिन वो नहीं थी, उसकी फैमिली किसी के लिए रिजर्व की हुई थी, तो इसलिए ये सीट मिली। लेग स्पेस देखें, सीटें भी अच्छी हैं, और ये इसमें जनाब आपके खाने का टेबल भी दिया हुआ है। खाने का डब्बा शब्बा कोई नहीं मिलता, लेकिन ये कि ठीक है, 1200 रुपये इनका किराया था भूरेवाला टू लाहौर। ये आप देख रहे हैं आगे, ये पकड़ने के लिए इन्होंने स्टैंड भी दिए हैं। हाँ जी, तो चल पड़े हैं अब हम भूरेवाला से, सफ़र स्टार्ट हो गया और दोपहर का टाइम हो रहा है 12 बजे का। अब यहाँ से हम निकलेंगे, देखते हैं कितने बजे वहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ से हम आराम से सफ़र करेंगे। सफ़र की दुआ पढ़ लिया करें जब सफ़र करें, अपनी हिफाजत और आरामदेह सफ़र के लिए अल्लाह के हवाले करें तो अच्छी बात है। हाँ जी, तो भूरेवाला के बारे में बताता चाहूँ, इसको सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहलाया जाता है, और क्योंकि यहाँ जो परसेंटेज है पढ़े लिखों की वो अच्छी है, लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का भी कैंपस मौजूद है, अच्छा सिटी है, छोटा है लेकिन अच्छा सिटी है। और यहाँ से अब हम जो है वो चीचावतनी रोड चल पड़े हैं, चीचावतनी से आगे कमालिया रजाना, और रजाना से मोटरवे पे ये बस चढ़ेगी और जाके फिर लाहौर में मोटरवे से उतरते ही न्याजी अड्डे और लास्ट इसका जो बस स्टॉप है वो सिटी टर्मिनल लाहौर है। तो सफ़र का आगाज़ हो चुका है। मैं भूरेवाला के बारे में बता रहा था, भूरेवाला में बहुत सारी मशहूर शख्सियात भी हैं, जो जिनमें से दो का नाम मैं आपको बताता हूँ, एक वकार यूनस क्रिकेटर नामवर, और दूसरा जो है मेजर तुफैल शहीद भी जो हैं वो भी भूरेवाला से ही ताल्लुक़ रखते थे। तो और भी कई लोग हैं, और इसकी अगर हिस्ट्री भी पढ़ें तो एक इंडस्ट्रियल सिटी था बिफोर पाकिस्तान, और उसके बाद जो है ये
बढ़ता चला गया। अब ये सिटी आगे बढ़ता जा रहा है, ये देख रहे हैं हम, काफी शहर से, मेन शहर से तो वो काफी बाहर आ गए हैं, तो अभी भी जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो बनती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। शहरों का फैलाव हमारे पाकिस्तान में जो हो रहा है वो साइडों पे फैल रहा होता है, बाहर ममालिक में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक लिमिटेड होता है और उसको वो ऊपर की तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो हाई राइज भी बनती हैं और दोनों साइडों, चारों साइडों पे शहर भी फैलता है। तो वो फैलता ज़रूर जाता है लेकिन उसके हवाले से प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग तब होती है कि जब जब वो सब कुछ बन चुका होता है, फिर उसके बाद कहते हैं ओहो ये मसले भी। तो ये हम जनाब अब चीचावतनी की तरफ गामजन है, सफर में साथ रहें, साथ दें, वीडियो को आखिर तक देखें, होपफुली मज़ा आएगा आपको। मज़ा आता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस सफर को। ये जनाब चीचावतनी बाईपास है, चीचावतनी पहुंच गए हम और यहाँ आगे से जाके ये इसका बाईपास है जहाँ से वो आगे जाके यूटर्न लेगी और यूटर्न लेके वापस चीचावतनी से कमालिया रोड पे के लिए गामजन होगी। शहर के अंदर नहीं जाते, शहर के अंदर से ही बस ये गुजरते हैं और गुजर के आगे जो है वो एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर जाते हैं। टाइम दोस्तों 11:10 है, मैंने टाइम बता दिया था 12 बजे का। वीडियो है पुरानी, एक्चुअली ये नवंबर की वीडियो है तो मैं टाइम भूल गया था, लेकिन अभी याद आया वीडियो देख के कि हाँ नहीं टाइम तो इसका मतलब है 10 बजे हम वहाँ से चले थे, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट्स में जो है इसने चीचावतनी पहुँचा दिया, जो 48 किलोमीटर है बुरेवाला से चीचावतनी, तो 40 टू 50 मिनट्स में ऑलमोस्ट इसने हमें चीचावतनी पहुँचा दिया है। 10 मिनट इसके वहाँ भी लग गए थे रास्ते में अड्डे पे, तो वहाँ से ये चलती है और चल के जनाब यहाँ पहुँच गई है। चलें आगे देखते हैं, साथ रहिएगा। बाईपास से, चीचावतनी बाईपास से जो लोग आते हैं और कमालिया जाना चाहते हैं, तो वो बगैर शहर की हर ट्रैफिक में से गुजरते हुए, तो ये थोड़ी सी बीच में वो जो सिटी है उसमें से गुजरते हैं, तो ये पुल फ्लाईओवर बना हुआ है, इस फ्लाईओवर के से गुजर के तो आप सीधा जो है वो कमालिया रोड पे गुजर जाते हैं।
तो जो बीच में सिटी का जो इंटरनल रोड है वो उसको आप बाईपास कर जाते हैं। ये बीच में जो रोड है आपको नजर आ रहा है ये सीधा लाहौर जा रहा है और रेलवे लाइन भी इसके साथ साथ लाहौर तक जाती है और हमने इसको पार कर लिया है तो सिटी ऑलमोस्ट इस साइड से आपने कवर कर लिया है, निकल गए बाहर। और ये जैसे ही पुल उतरेगा तो दरिया आएगा, आप उसमें से उसके ऊपर से भी गुजरेंगे, बीच में जंगल आते हैं, जंगल चीचावतनी में बहुत होते हैं। तो ये रेलवे लाइन जो लोग सफ़र करते हैं या चीचावतनी गए हुए हैं तो उनको पता है कि यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा जंगल है जो कि लगाया गया था, कटाई भी होती रहती है जो कि गलत बात है। तो ये जनाब पुल से उतर गए और हम अब कमालिया रोड पे, मेन जो कमालिया रोड है उस पे आ गए हैं। यहाँ से ये सीधा रोड कमालिया की तरफ जाएगी, साथ रहें देखते रहें मजीद, जंगल स्टार्ट हो रहा है।
दोस्तों, शीशावती खत्म होने के बाद अब ये दरिया गुजर रहा है, उससे पहले कैनाल गुजरा है और अब ये दरियाए रावी है जिसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल गंदा गदला पानी है, काला फैक्ट्रियों वाला या अजीब नालों का जो है वो है, या बीच में फसलें लोगों ने उगाई हुई है, नहीं पता लगता किधर दरिया है क्या नहीं है, सूखा पड़ा है सारा। ये आगे सारी चीज़ें कमालिया आने वाला है। दोस्तों कमालिया पहुंच गए। कमालिया में जो सबसे मशहूर चीज़ है यहाँ का खद्दर मशहूर है, खद्दर का जो कपड़ा है वो मशहूर है, इसकी आपको वीडियो में शॉप्स भी नज़र आएंगी जो खद्दर की हैं, तो जिनको खद्दर पहनने का शौक़ हो तो कमालिया का खद्दर बड़ा मशहूर है, वो ले सकते हैं कमालिया से या जहाँ से भी लेना चाहें। देखें ज़रा कमालिया शहर को भी, रास्ते में जो जो चीज आएगी हम देखते जाएंगे, मोटरवे पे तो सारा सीन एक जैसा ही होता है। फिर दरमियान में दोस्तों आवाज आएगी, एक लेडीज की आवाज आ रही है जो नेक्स्ट सीट पे बैठी थी, फोन पे बात कर रही थी, मैं उसको कट या म्यूट इसलिए नहीं कर रहा कि जो आपके बस का सफर है पूरा वो फिर मजा नहीं आएगा कि भाई जो हॉर्न है या रास्ते में जो चीजें आ रही हैं वो पता नहीं लगेंगी, तो देखता हूँ अगर समझ में आई।
हाँ जी, तो दोस्तों रोजाना शहर से पहले ही मोटरवे चढ़ने के लिए जो है, आप रोजाना शहर से पहले ही एक कट आता है, कमालिया के बाद रोजाना से पहले आप एक इंटरचेंज मोटरवे का आ रहा है उस पे जनाब बस मुड़ चुकी है, फैसलाबाद रोड छोड़ दिया हमने, आगे जाएं तो रोजाना स्टार्ट हो रहा है और उससे पहले ये जो है आपका मोटरवे का इंटरचेंज है। यहाँ से जनाब हम M2 पे चढ़ जाएंगे और M2 मोटरवे से सीधा लाहौर की तरफ गामजन हमारा सफर चलता रहेगा। आप भी साथ रहिएगा, देखते रहें वीडियो को। आफ्टर 2.5 आवर आखिरकार हम बुरेवाला से चले हुए, इतना टाइम हो गया मोटरवे से जनाब आके यहाँ पे एक रेस्ट एरिया पे बस ने स्टॉप कर रही है, जहाँ पे वो 10 मिनट का स्टॉप देते हैं कि जनाब आप फ्रेश हो लें, टॉयलेट यूज करना है, खाना पीना है, कुछ भी करना है तो आप कर लें। M2 के ऊपर ये स्टॉप है और यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है, काफी बसेज यहाँ पे आके रुकी हैं। अच्छा खुला बड़ा जो है वो रेस्ट एरिया बना है, तमाम फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं, पेट्रोल पंप है, रेस्ट रूम्स हैं और आपके लिए शॉप्स हैं, आप जो खाना पीना चाहें आराम से खा पी सकते हैं। KFC भी यहाँ पे मौजूद है, मस्जिद है, तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि आपको चाहिए। तो ये जनाब एक और बस खड़ी है मुस्लिम मूवर्स, जो कि हासिलपुर से चिश्तियाँ से होती हुई जाती है लाहौर। ब्रेक खत्म होने के बाद दोबारा मोटरवे पे गामजन लाहौर की तरफ और आपके साथ। सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, मोटरवे पे आके तो वैसे ही नींद आने शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ना कोई अलग कुछ चीज़ दिखती है ना कुछ, और बस एक जैसा ग्रीनरी सीन, खेत ही खेत होते हैं। लाहौर हम पहुंच गए हैं, मेन जो इंडिया जो मेन मोटरवे है जो इस्लामाबाद से आ रही है उसके ऊपर से गुजरे हैं अभी और रावी टूल प्लाजा की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से मोटरवे से एक्सचेंज जो है वो एग्ज़िट होंगे और साथ रहें, देखते रहें एंड तक, ताकि आप भी लाहौर पहुँचे मेरे साथ और फिर लाहौर लाहौर है।
हाँ जी, तो लाहौर में एंटर हो रहे हैं ये रोड जिससे अभी हमारी बस इसके ऊपर आ रही है, ये जीटी रोड है जिसको हाईवे कहते हैं, नेशनल हाईवे कहते हैं, ये जो भी कहते हैं, इसके ऊपर आ रही है। तो जो जीटी रोड से आने वाले हैं वो वहां से आते हैं और हम जनाब लाहौर में अब एंटर हो रहे हैं। मेरे साथ रहें जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं, तो जिन्हें नहीं देखा वो आज देख लें, और जिन्होंने देखा हुआ है तो वो दोबारा देख लें। 100 चेंजेस आ जाती हैं, वक्त बड़ा तेजी से बदलता है, चीजें बड़ी तेजी से बदलती हैं। साथ रहें, देखते रहें एंड तक। दोस्तों ये वो रोड है मेन जिस पे बहुत सारे बस अड्डे मौजूद हैं। अब्दुल्ला टर्मिनल है जिस पे फैसल मूवर्स की बसेस खड़ी होती हैं, स्काईवेज की, और नियाजी अड्डा है, सिटी टर्मिनल है, ये सामने अब्दुल्ला टर्मिनल जिस पे सानिया एक्सप्रेस और फैसल मूवर्स की बसेस खड़ी होती हैं, जहाँ से आपको कहीं भी जाने के लिए बसेस आराम से मिल जाती हैं। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो थोड़ा सा करके ये इस बिल्डिंग के सामने अब्दुल्ला नियाजी अड्डा है, नियाजी अड्डे पे भी जनाब 24 घंटे आपको मिल जाती हैं बसेस। वो सामने आपको नज़र आ रहा है नियाजी अड्डा, स्काईवेज का है, उसके साथ ही नियाजी अड्डा, ये सारी जो है वो बस अड्डे आपको यहाँ से मिल जाते हैं। वक्तन फवक्तन अड्डे आते रहते हैं, ये भी किसी बस का अड्डा है, पेट्रोल पंप के साथ ही इन पे बसेस खड़ी हुई हैं। तो यहाँ से आपको एपीवी चाहिए, वैगन चाहिए, एसी बस चाहिए, कोस्टर चाहिए, जो भी बस चाहिए वो मिल जाती है किसी भी शहर में जाने के लिए लाहौर से। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोग दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल का जो बटन है उसको भी दबाइए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें थ्रू नोटिफिकेशन, आपको पता लग जाएगा, ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और ये हम सिटी टर्मिनल लाहौर एंटर हो चुके हैं जो कि इस बस का आखिरी स्टॉप है, यहाँ से मैं आगे अपना जहाँ मंजिल है वहाँ जाऊँगा। यहाँ पे सिटी टर्मिनल पे भी तमाम बसेस के बूथ बने हुए, फैसल मूवर हो, मूवेज हो, सिल्क लाइन हो, जो भी है आपको चाहिए, जिसकी भी पावर की हो, मतलब जहाँ के लिए भी बस चाहिए वो आपको मिल जाती है। और यहीं पे ला के मैक्सिमम खड़ी की हुई होती है इन्होंने, क्योंकि अपने बस टर्मिनल पे इतनी इनकी जगह नहीं होती, वो सारे ला के सिटी टर्मिनल पे ला के खड़ा करते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर रन हो रहा होता है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मेरी आने वाली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा इंशाल्लाह, और नई वीडियोज़ के साथ आपके लिए मैं हाज़िर हूँगा।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।